इंसान बहुत जल्दी हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। देखो यार, हताश, परेशान, परेशानियाँ ये आपकी पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बनारस, आज मैं हूँ बनारस में और सुबह सुबह पहुँच गया था बनारस, तो सोचा कि क्यों ना बनारस के मशहूर जगह, जिस जगह को हम लोग मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं, आज हम वहाँ जाने वाले हैं। रिक्शे वाले भाई साहब को कहा गया कि आप ऐसा करो, मुझे मणिकर्णिका ले चल के छोड़ देना, और इनसे बात करते करते मैं पहुँच गया मणिकर्णिका। भैया जी, अभी हम पहुंच चुके हैं बनारस के मणिकर्णिका द्वार के सामने। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो मणिकर्णिका द्वार, और अभी वहां जाने से पहले यहां पर पिया जाएगा एक चाय। चाचा एक चाय देना। बाबा जी, मणिकर्णिका के बारे में कुछ बताइएगा हमको, इस मणिकर्णिका के बारे में। जाइए, मणिकेश्वर महादेव है। अच्छा, उनका दर्शन कीजिए। मणिकर्णिका सुंदर, शिव पार्वती का, शिव पार्वती का। भाई बाबा बता रहे हैं कि आप इधर जाइए तो अंदर आपको काशी करवट देखने को मिलेगा। दाहिने में चाय पीते पीते इन चाचा से बात हो रही थी और ये मुझे मणिकर्णिका के बारे में बता रहे थे। चाय पीने के बाद मैं यहाँ से निकल लिया। एक तो भाई साहब बनारस के रोड को क्रॉस करना ही देखो लड़बड़े ही लोग। तो भैया जी, हम मणिकर्णिका घाट के लिए अंदर जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पतली पतली गलियां बनारस की अलग से शोभा बढ़ाती हैं। कर्णिका घाट पर जाने के लिए पतली पतली गलियां हैं, और गलियों में हम घुस चुके हैं, और आपको यहां पर दिशा भी दिखाया जाएगा। देख रहे हैं, मतलब ये हर जगह आपको दिशा दिया जाएगा कि आपको इधर इधर से मुड़ के जाना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट, और यहां पर एक शादी जोड़ा जा रहा भाई। और एक बात अच्छी है कि यहाँ की जो रोड की गायें हैं ये भी मारती नहीं है। अगर भाई गाँव वाँव में घुस जाए ना, मार मार के बुरा हाल कर देगी। मणिकर्णिका के रास्ते में आपको बहुत सारे पिक्चर्स कुछ साधु संतों का देखने को मिलेगा। कुछ तो तस्वीरें ऐसी हैं जिनको आप देखते रह जाइएगा। ऐसे पतली पतली गलियों से होते हुए मैं जा रहा था मणिकर्णिका की तरफ, और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स, इनके फेस पे एक छोटी सी मुस्कुराहट, कहीं कचौरी की दुकान, और सामने काशी कॉरिडोर। ऐसे करके हम पहुँच गए उस जगह पे जहाँ पर शौच जलाने के लिए लकड़ियाँ बिक जाती है। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट के अगर आप मुड़ेंगे, अगर उसके साइड में, तो यहाँ पर है काशी करवट। ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर करवट है। करवट मतलब कि टेढ़ा होता है। दो महीना ही दर्शन होता है। अच्छा, इस मंदिर दो महीना डेढ़ महीना इसके बाद माता चली आती, मतलब गंगा माता के पानी से 8 महीने तक डूबा रहेगा। आप बात है। अच्छा, तो
जनाब क्या है ना कि मैं बैठा हूँ अभी मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका के बारे में आप सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो भाई मैं बता देता हूँ। मणिकर्णिका घाट को कहा जाता है कि भाई ये मोक्ष का द्वार है, मतलब पूरे भारत वर्ष में, पूरे भारत तो छोड़िए, अगर बनारस के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु बनारस में हो। भगवान भोले का खुद का स्थान है ये, तो यहाँ पर जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा मोक्ष के द्वार में जाते हैं। तो अभी हम उसी जगह पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठ के इतनी सारी मुर्दों को जलते हुए देख के मेरे माइंड में ना एक चीज़ बहुत तेज का खटक रहा था। इंसान बहुत जल्दी हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। देखो यार, हताश, परेशान, परेशानियाँ ये आपकी पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। या तो अगर आप बहुत सारा धन भी कमा लेते हैं ना, तो वो भी धन आपके साथ नहीं जाने वाला। और ये ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों काशी में आने के बाद ना ये काशी की भाषा में बोलने लग गया हूँ। और रही बात बनारस की, तो बनारस अपने आप में अजूबा है। एक बार आइए जिंदगी में, जब भी टाइम मिले एटलीस्ट एक बार बनारस आओ, मणिकर्णिका आओ, मणिकर्णिका घाट पर बैठो। सच कह रहा हूँ मैं, जिसको आपको, मतलब जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है उनकी फ़ोटो लेके आइएगा। मैं कह रहा हूँ उनको देखना और सोचना, क्योंकि जो चीज़ आप मणिकर्णिका पे फील करोगे ना, एक एनर्जी, एक वाइब, एक पॉजिटिव वाइब, वो आपको मोक्ष, मोह सबसे दूर कर देगा। इस दुनिया में, इस संसार में जितने लोग आए हैं सबको जाना है। महादेव की नगरी है, महादेव आपकी इच्छा तो पूरी करेंगे करेंगे, प्लस अगर आप मणिकर्णिका घाट पर आके 1 से 2 घंटा बिताएंगे आपको अपने जीवन का सत्य पता लग जाएगा। मतलब इस घाट को श्राप है कि भाई यहाँ पर 24/7 लाशें जलती रहेंगी। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और पुराणों में कहा गया है कि अगर जिस दिन यहाँ पे लाशें जलनी बंद हो जाएगी उस दिन दुनिया का प्रलय है, मतलब उस दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। वाइब है, जो एनर्जी है एकदम अलग लेवल की है। और देखो भैया, बनारस आए हैं तो हमने लगा कि हम तुमको घुमा दें, तो इसीलिए हम आपको घाट पर ही ले आए। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं।